आईपीएल रिटेंशन लिस्ट में जो पहली टीम की हम बात करने जा रहे हैं वो है आईपीएल की जॉइंट मोस्ट सक्सेसफुल टीम। सब टीम को सोचना पड़ता है किसको रिटेन किया जाए, इनको सोचना पड़ेगा किसको छोड़ा जाए। टीम इतनी अच्छी है, बट इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद पिछले साल पॉइंट्स टेबल में नीचे थे जस्ट बिकॉज ऑफ बू, झगड़ा एंड यू नो भाई कैप्टेंसी का मैटर। और ये मैटर इस बार भी हो सकता है। अभी आपको बॉन्ड अच्छा दिख रहा हो, बट क्या पता हार्दिक पांड्या कैप्टन रहे या ना रहे, क्या रोहित शर्मा रिटेन होंगे, क्या बुमराह 14 करोड़ में मानेंगे, सूर्या भाई कहाँ रिटेन होंगे, सवाल तो बहुत है। लेट्स फाइंड आउट द आंसर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब टीमों को 5 रिटेंशन और 1 RTM मिला है, जिसे 5 कैप्ड प्लेयर और 1 अनकैप्ड प्लेयर आपको रिटेन करना है, या फिर आप 4 कैप्ड और 2 अनकैप्ड रिटेन कर सकते हो। नहीं समझ आया क्या? अगर नहीं आया तो हमने डिटेल में वीडियो बना के रखा है एग्जाम्पल के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो, सारे रूल्स को हमने डिटेल में बात किया है। अब आते हैं मुंबई की तरफ फिर से। तो रिटेंशन लिस्ट जानने से पहले ये जान लो कि पैसे कितने मिलेंगे। जो नंबर 1 पे रिटेन होगा उसको मिलेगा 18 करोड़, सेकंड वाले को 14 करोड़, थर्ड को 11, फोर्थ को फिर 18 करोड़ में जाएगा बजट, और फिफ्थ को 14 करोड़। तो यहाँ आता है ट्विस्ट, 4 और 5 को भी 1 और 2 के बराबर पैसा मिलना है। अब करते हैं बात। तो जो सबसे पहला रिटेंशन होगा मुंबई का, जो मुझे लगता है, वो हो सकते हैं हार्दिक पांड्या। बहुत लोग को लगेगा रोहित शर्मा क्यों नहीं, बट सुनो भाई, आप कैप्टन को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो बिकॉज वो इंडियन भी है ना। अगर वो कोई फॉरेनर होता आप मे भी उसको फोर्थ पे भी कर सकते थे, बट बिकॉज वो इंडियन है, अभी तो भाई फॉर्म भी बड़ा अच्छा है, तो नंबर 1 पे हार्दिक पांड्या रिटर्न होंगे विद 18 करोड़। बट सवाल ये है क्या वो कैप्टन रहेंगे। पिछले साल कैप्टेंसी को लेकर बहुत बवाल मचा है, बट एक साइन, मुंबई को वो कैप्टन चाहिए होता है जो करंट में इंडियन टीम का कैप्टन हो, चाहे वो विमेंस टीम हो या मेंस टीम हो। इसी वजह से उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी कैप्टन बनाया था। तो क्या अब हार्दिक पांड्या हट के सूर्या भाई कैप्टन बन सकते हैं, इस पर भी सवाल होगा। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है, मुंबई हार्दिक पांड्या के साथ ही कंटिन्यू करेगा। अब आते सेकेंड रिटेंशन पे, जो कि होने वाला है 14 करोड़ के लिए। आई थिंक सेकेंड रिटेंशन होंगे द बूम बूम नेशनल ट्रेजर जसप्रीत बुमराह। लोग कहेंगे क्या वो सेकेंड रिटेंशन के लायक है, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर पहले नंबर पे रिटेन भी ना हो, क्या वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर 18 करोड़ डिजर्व नहीं करता, क्या वो 14 करोड़ ले और बाहर का थर्ड क्लास बॉलर आके 20-20 करोड़ ले जाए। नॉट थर्ड क्लास थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट समझो यार, बात समझो आप लोग। बट आई थिंक बुमराह जिस तरह का बंदा है वो पैसे के लिए तो नहीं जाएगा टीम छोड़ के। बुमराह भाई मुंबई में ही रहेंगे चाहे वो 14 करोड़ ही मिले, 14 करोड़ लेके वो मुंबई में ही खेलेंगे, ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हो। अब आते हैं तीसरे रिटेंशन के ऊपर, जिसको मिलने हैं 11 करोड़। यहाँ कौन रिटेन होगा? तो आई थिंक यहाँ पे मुंबई रिटेन करेगा तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडेड बहुत अच्छे बैट्समैन, जिसको मुंबई ने ही बनाया है, तराशा है, पॉलिश किया है उस स्टार को, तो मुंबई उसको छोड़ेगा तो नहीं। तो थर्ड रिटेंशन हो गए तिलक वर्मा और 11 करोड़ लेंगे, वो तो बहुत खुश होने वाले हैं। अब आते हैं चौथे रिटेंशन। यहाँ सवाल है, अगर रोहित शर्मा मुंबई में खेलेंगे, कुछ भी खेल रहे भाई, अब जितना भी रूमर सुन रहे हो कि रोहित शर्मा लखनऊ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, भूल जाओ, रोहित शर्मा मुंबई में ही खेलेंगे। वो मुंबई का राजा था, मुंबई का राजा है और मुंबई का राजा रहेगा। तो रोहित भाई चाहे कैप्टन हो ना हो, मुंबई में ही खेलने वाले हैं, ये बात आप लिख के ले लो भाई। तो फोर्थ नंबर पे रिटेन होंगे रोहित शर्मा विद 18 करोड़, जो हाईएस्ट है बजट। हार्दिक भाई को 18 करोड़ मिलेगा और रोहित शर्मा को मिलेगा 18 करोड़। बट सूर्य कुमार यादव, जो कि इंडियन टीम के करंट कैप्टन है, क्या वो 14 करोड़ में मानेंगे? जी बिल्कुल मानेंगे, 14 करोड़ मिलेगा सूर्य कुमार यादव को फिफ्थ रिटेंशन के रूप में। या तो फिफ्थ में बुमराह होंगे, सेकंड में सूर्य कुमार यादव हो, या फिर सेकंड में बुमराह हो, फिफ्थ में सूर्य कुमार यादव है, बिकॉज पैसा तो एक ही है। बट क्या वो रैंकिंग का फर्क पड़ेगा कि मैं दूसरे पे रिटेन हुआ, वो पांचवे पे हुआ, क्या ये असर करेगा? देखते हैं क्या होता है। बट आई थिंक ये होंगे वो 5 रिटेंशन जो मुंबई करना चाहेगा, जो उनके लिए बेस्ट भी होगा। और प्लेयर्स तो मान जाएंगे भाई, वो एक बॉन्ड होता है, चाहे पिछले साल जैसा भी हो, इस साल वैसा कुछ नहीं होने वाला है। इस साल आपको मुंबई ऐसा ग्रुप दिखेगी खेलते हुए, और आई एम प्रेडिक्टिंग
मुंबई इस बार टॉप फोर में आपको दिखने वाली है। ऑक्शन से पहले, ऑक्शन नहीं हुआ है, पता भी नहीं अभी तक कौन रिटेन भी होगा, जस्ट अ गेस, मे भी ऐसा थॉट आ रहा है कि इस बार मुंबई होगा टॉप फोर में। अब बात करते रिटेन भी तो करना है को, वो कौन होगा? अब यहाँ जो आपने पांच रिटेंशन लिए, ये पांचों के पांचों तो कैप्ड प्लेयर है। अब एक आपको अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करना है और आपके पास माही भाई तो है नहीं आप कर लोगे। एक ऑप्शन है आप पीयूष चावला को कर सकते हो, वो भी वो अनकैप्ड के लिस्ट में आएंगे। एक धोनी है, एक पीयूष चावला है और एक मे बी अमित मिश्रा है शायद, ये तीन है जो अनकैप्ड के लिस्ट में आ रहे हैं। बट आई डोंट थिंक मुंबई पीयूष चावला को करेगा। जो मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन है मुंबई के लिए, वो होंगे निहाल वडेरा। अगर आप क्रिकेट को पूरा फॉलो करते हो तब आपको पता होगा ये प्लेयर कैसा है, बाकी अगर आप सिर्फ रील्स में देखते हो फिर तो भाई क्या फ़ायदा। ये बहुत अच्छा प्लेयर है, बॉलिंग भी करता है, लेफ्ट हैंडेड अटैकिंग बैट्समैन, लंबे लंबे छक्के मारता है और इसको भी मुंबई ने ही पॉलिश किया है पिछले दो साल में। अब मुंबई ऐसे छोड़ेगा तो नहीं, तो मुंबई अगर ये 1-2 करोड़ के बजट में मिलते हैं तो मुंबई RTM का यूज़ करके इसे अपनी टीम में लाएगा, और अगर ये महंगे जाते हैं तो मुंबई ट्राई करेगा आकाश मधवाल को ले लिया जाए, एक और अच्छे फास्ट बॉलर। पिछला साल अच्छा नहीं गया था बट वो बॉलर बहुत अच्छा और ये उसने दिखाया है बहुत सारे मैच में, तो देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये होंगे वो प्लेयर जिनको मुंबई रिटेन और RTM का यूज़ करके अपनी टीम में वापस बुलाना चाहेगा। और अभी तो सिर्फ हमने पहली टीम की बात की है, अभी बहुत सारी टीम बाकी है, 9 टीम्स बाकी है, सब के ऊपर वीडियो आएगा। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, पैसा नहीं लगता है, और वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।